कि बहुत हुई मन की बात, अब सुननी होगी जन की बात। तो ये तो पूरी बीजेपी का पूरा इतिहास ही ये तमाम इस तरह के बलात्कारी, इस तरह के घोटाले बाज भरे हुए हैं, जब लोगों ने बेमौत अपनी जिंदगी गवाई और उस समय मोदी जी के जो ये हितैषी हैं अडानी और अंबानी, उनकी संपत्ति में 121% की बढ़ोतरी हो जाती है। मन की बात का 100वां एपिसोड भी था जिसके लिए इतना पैसा खर्च करके तमाम अलग अलग सारे कम्युनिटी रेडियो पे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको सुनाना ही होगा। असल में ये पूरी ड्रामेबाजी, लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या की जा रही है। हत्या तो की जा रही है, मतलब ये हर रोज हो रही है। हर रोज जो हजारों बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, उनकी मौत हत्याएं हैं। आज एक ही रास्ता है, बड़े जन आंदोलन इन अन्यायों के खिलाफ खड़े किए जाए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब कलाकार भी महिला पहलवान के समर्थन में उतर आए हैं। आप पेंटिंग के माध्यम से देख पा रहे होंगे खिलाड़ियों के समर्थन में कलाकार और छात्र, तो देख पा रहे होंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे। आप चारों तरफ पेंटिंग देखिए, तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला पहलवानों के समर्थन में आए हुए हैं। इसी सर, कहाँ से आए हैं? मैं एक कला विद्यार्थी हूँ, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स से मैंने पढ़ाई की है और ये हमारा एक ग्रुप है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग, उससे जुड़े हुए हैं हम लोग। आपको क्या लग रहा है कि इस पेंटिंग के माध्यम से सरकार आवाज़ सुनेगी? देखिए, सरकार को तो सुनना पड़ेगा, पर ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकजुट हो, इसलिए भी हम लोग उठा रहे हैं। और आज जब चारों तरफ अन्याय का घटाटोप है, तब आज आवाज़ उठाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार सरकार, चाहे हुक्मरान कितने भी ताकतवर हो, लोगों की एकजुटता के आगे झुकते रहे हैं, हार मानते रहे हैं, भागते रहे हैं मैदान छोड़ के। और इस आवाज़ को, ये जो आज मुद्दा यहाँ खिलाड़ियों ने उठाया है, इसको पूरे देश भर में, क्योंकि आज जो लोग नेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, जब उनके यौन शोषण जैसे मुद्दे पे FIR दर्ज होने में 6 दिन का वक्त लग जाता है, 3 महीने पहले बनी कमिटी का कोई अता पता नहीं चलता है, तो इससे साफ हो जाता है इस देश में जो महिलाओं की आबादी है, जो ऑफिसों में काम करती है, जो सिर्फ यहाँ पे पहलवानी ही नहीं, तमाम ऐसे एथलीट गेम्स में खेलती है, स्ट्रगल करती है, जिला स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके राज्य स्तर पे जो ऐसे तमाम गुमनाम खिलाड़ी भी हैं, उनके साथ भी जो चीज़ें होती हैं, उसके खिलाफ तो कहीं कुछ होता ही नहीं होगा। मतलब यहाँ पे करोड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसकी कोई खोज खबर नहीं ली जाती है। ये प्रोटेस्ट जो 8 दिन से चल रहा है, इसका जीता जागता सबूत भी है, तो इसीलिए हम इसके समर्थन में। तो अभी आप कह रहे थे बहुत हो गई मोदी जी मन की बात, कुछ ऐसे बता रहे थे, आप बताइए। हाँ, एक हमने एक पोस्टर प्लान किया है, जो आज मन की बात का 100वां एपिसोड भी था, जिसके लिए इतना पैसा खर्च करके तमाम अलग अलग सारे कम्युनिटी रेडियो पे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको सुनाना ही होगा। असल में ये पूरी ड्रामेबाजी, जब लोगों के असली मुद्दे हैं, जब बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा जैसे तमाम मुद्दे लोगों के सामने खड़े हैं, तब उनकी बात ना सुने लोग, इसीलिए वहाँ पे आके बड़ी सुंदर सुंदर गोलमोल बातें और जुमलों से भरी बातें मन की बात करते हैं। तो हम लोगों ने एक स्लोगन छोटा सा क्रिएट किया था कि बहुत हुई मन की बात, अब सुननी होगी जन की बात, लोगों की बात सुननी। तो बृजभूषण शरण सिंह कहा जाता है, बीजेपी सांसद हैं और वो एक प्रकार के, उनकी छवि जो है गुंडे वाली है, इसीलिए जो है बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही। हाँ, सही बात है। और बीजेपी का तो पूरा इतिहास चिन्मयानंद से लेके कुलदीप सिंह सेंगर, जो वहाँ पे जो महिला, जो लड़की थी, उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाता है, उन्नाव की जो पूरी घटना है, कठुआ में वहाँ पे रेपिस्टों के समर्थन में रैलियाँ निकालते हैं बीजेपी की लोग, और ये सारा पूरा कुलदीप सिंह सेंगर से लेके चिन्मयानंद, और अभी हरियाणा का जो कल परसों का मुद्दा है, जो वहाँ पे महिला कोच है जिनको वहाँ पे कल स्कूटी से जा रही थी और उन्होंने कंप्लेन किया है, वहाँ पे भी मॉलेस्टेशन के खिलाफ कंप्लेन किया है, यौन उत्पीड़न के खिलाफ उनको मारने की कोशिशें की गई है। तो ये तो पूरी बीजेपी का पूरा इतिहास ही ये तमाम इस तरह के बलात्कारी, इस तरह के घोटाले बाज भरे हुए हैं। और जब मोदी जी अडानी के इतने बड़े घोटाले में उनके साथ हैं, तो तमाम ऐसे छुटभैया, गुंडे, मवाली, लखीमपुर खीरी जैसी घटना पर सीधे थार दौड़ा देने वाले ऐसे नेता का घमंड तो आज इसीलिए है, क्योंकि आज जो पैसा मिल रहा है इनको इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से, उसके दम पे पूरी मीडिया मैनेज्ड है, पूरा अखबार से लेके सब कुछ है, तो ये सोचते हैं कुछ भी कर लेंगे। यानी कि लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या की जा रही है। हत्या तो की जा रही है, मतलब ये हर रोज हो रही है, हर रोज खुलेआम हो रहा है। FIR दर्ज करना तो बेसिक राइट है ना, FIR दर्ज नहीं होता है, तो ये हर रोज हो रहा है। और असल बात यह है कि इन सारी चीज़ों पे लोग बात ना करें, इसलिए नकली मुद्दे खड़े किए जाते हैं,
हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को लड़वाया जाता है, जाति धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाया जाता है, क्षेत्र के नाम पे लड़वाया जाता है लोगों को। तो इस सारे मुद्दों को हटा के आज लोगों को अपने जो असल मुद्दे हैं, जो रोज़ रोज़ की ज़िंदगी जिस कदर मुश्किल बनती जा रही है, कोविड का वो पूरा दौर जब लोगों ने बेमौत अपनी ज़िंदगी गंवाई, और उस समय मोदी जी के जो ये हितैषी हैं अडानी और अंबानी, उनकी संपत्ति में 121% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये जो अन्याय है ये हर रोज़ हो रहा है, हर रोज़ जो हज़ारों बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, उनकी मौत हत्याएँ हैं जो ये हुक्मरान कर रहे हैं। तो ये इन सभी के ख़िलाफ़ आज लोगों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो क्या लग रहा है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो क्या लग रहा है कि अब कुछ सरकार संज्ञान लेगी या गिरफ्तारी होगी? देखिए, ये तो इनका पूरा एरोगेंस तो दिख ही रहा है सामने, और आंदोलन बढ़ेगा तो आंदोलन लोगों के आंदोलन के सामने सरकारों को झुकना पड़ता है। अब सवाल यह है कि लोग कितनी मुस्तैदी से लड़ते हैं, और आज लोगों को एकजुट होना चाहिए और तमाम ऐसे लोगों को झुकना पड़ा है। आज गिरफ्तारी नहीं होती है तो हिसाब तो जनता भी लेती है इस तरह के, और कोर्टों में जाएंगे, बड़ा जन आंदोलन। आज एक ही रास्ता है, बड़े जन आंदोलन इन अन्यायों के खिलाफ खड़े किए जाए। ब्रजभूषण का आरोप है कि सिर्फ हरियाणा से ही महिलाएं आ रही हैं और कोई राज्य से इनके समर्थन में नहीं आ रही हैं। रेसलर की जो महिलाएं हैं सिर्फ हरियाणा से आ रही हैं, एक कम्युनिटी से, जाट कम्युनिटी से आ रही हैं। देखिए, यहाँ का कम्युनिटी से कौन लोग आ रहे हैं, क्या है, ये तो इनका इंटरनल जो पूरा ये है, इस पर बहुत ज़्यादा हम अपनी बात नहीं रख सकते। मतलब हम लोग यहाँ दिल्ली में दो बार, हम लोग तीन बार जब भी आए हैं, यहाँ स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं। आज दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन की आंगनबाड़ी की महिलाएं समर्थन देने आई थी, तो लोग तो आ ही रहे। बाकी मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी तो 15 लाख की भी बात कर गए, तो इन लफबाजी है, इनकी बातों को सीरियसली तो आज लोग भी नहीं लेते। तो देख लीजिए, हमारे साथ ये कलाकार थे, छात्र कलाकार, जो अपनी कला के माध्यम से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।